सीतामढ़ी पुलिस ने आरोपियों के एक बड़े मंसूबे को फेल कर दिया है। पुलिस ने सीतामढ़ी से अपहरण कर ले जा रही महिला चिकित्सक को मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से सकुशल बरामद किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए सीतामढ़ी एसपी अनिल कुमार ने बताया कि अपहरित महिला चिकित्सक बीते बुधवार को रीगा थाना क्षेत्र के मील चौकी स्थित अपने निजी क्लिनिक जा रही थी। इसी दौरान खैरवा पेट्रोल पंप के समीप से अपराधियों ने कार समेत महिला चिकित्सक का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद 20 लाख बतौर फिरौती की रकम महिला चिकित्सक डॉक्टर बेबी कुमारी के पति डॉक्टर पीयूष राज से मांग की गई, जिसके बाद अपराधियों और चिकित्सक के बीच फिरौती के रकम के सेटलमेंट को लेकर बात की गई, जिसकी भनक सीतामढ़ी एसपी अनिल कुमार को लगी और एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहर्ता महिला चिकित्सक डॉक्टर बेबी कुमार के मोबाइल फोन और कार को नंबर के ट्रस्ट आउट के आधार पर सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी पुलिस के सहयोग से बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बसेठा से बरामद किया गया। इस दौरान पुलिस ने अपहर्ता महिला चिकित्सक को उनकी कार समेत बरामद करते हुए अपहरण में शामिल चालक सिंटू कुमार और एक अपराधी धीरज कुमार को गिरफ्तार किया है। एसपी अनिल कुमार ने बताया कि अभियान में सम्मिलित सभी पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच में एक स्थानीय आयुर्वेद चिकित्सिका है श्रीमती डेजी जसवाल, ये हॉस्पिटल रोड अवस्थित इनके हस्बैंड का नंदी प्रभा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ से ये रीगा अवस्थित अपने क्लिनिक के लिए जा रही थी। इस बीच में इनकी गाड़ी गायब हो जाने की सूचना मिली और ये हम लोग अपने स्रोत से सूचना मिली और उसमें इनिशियल क्लू केवल इतना था कि इनके गाड़ी का नंबर और मारुति रिज गाड़ी है, ये हम लोग को सूचना थी। इसमें सत्यापन के लिए जब कार्रवाई प्रारंभ की गई तो ये पता चला कि ये गाड़ी वर्तमान में इसका लोकेशन मधुबनी दरभंगा इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट है और कस्टम पॉइंट है उसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है उसके हिसाब से कार्रवाई होती है। सर, बॉर्डर पर जो हंगामा चल रहा था उसके लिए क्या कार्रवाई की? बॉर्डर इशू तो इसमें जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उसी को फॉलो किया जाएगा। तो इसमें तत्काल जो हमारे ASP कुपरी हैं उनको और SHO कुपरी और उनकी टीम को वहाँ भेजा गया सत्यापन के लिए, और इसके साथ साथ मधुबनी और दरभंगा दोनों जिला पुलिस से मदद मांगी गई। इसमें मधुबनी SP के द्वारा जो वहाँ पे गठित टीम थी जिसमें बेनीपट्टी के उनके SDPO और वहाँ के SHO थे और हम लोगों की भी टीम लगी हुई थी, और इन लोगों के द्वारा जो उस इलाके में नॉर्मल घेराबंदी की गई थी उसी क्रम में उन लोगों के द्वारा इस गाड़ी को और अपहर्ता के साथ में रिकवर किया गया। जो ड्राइवर था वो पिछले 1 साल से इनके साथ काम कर रहा था और उसने ही अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर पूरे इस घटना को प्लान किया, तो चूँकि वो इनके सारे एक्टिविटी को जान रहा था और इस कारण से ही इतने भीड़ भाड़े और दिन के समय में जब गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया तो कोई विरोध नहीं किया बल्कि वो सहयोग करते हुए और इनको फिर ले जाने में लोगों का मदद किया, क्योंकि उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए टेस्टिंग कार्ड कर रही है। एक और अपराधकर्मी है धीरज, वो पकड़ा गया। उसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई और सारी बात आई तो ये जानकारी हुई कि खैरवा पेट्रोल पंप के आगे से उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रोक कर और उसमें वो लोग सवार हो गए थे, लेकिन उनको लगातार वो लोग गाड़ी नहीं मूव करते रहे और इनके मोबाइल से ही इनके जो पति हैं वो भी डॉक्टर हैं उनसे बात कर रहे थे और शुरू में इन लोगों ने 20 लाख रुपए की मांग की कि तब छोड़ेंगे, फिर बाद में निगोशिएट होते होते काफ़ी कुछ कम हुआ था, लेकिन इस बीच में ही ये पुलिस कार्रवाई में ये लोग पकड़े गए। तो बाकी जो बचे हुए इनके सहकर्मी थे अपराधी के वे वहाँ से पैदल ही भाग गए और इनकी बरामदगी हुई है, इनकी गाड़ी की भी बरामदगी हो गई है और इसमें जो पूछताछ हुई है उससे पूरे गैंग के बारे में भी जानकारी मिल गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम चार्ज कर रही है और जल्दी ही उन लोगों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।